कैंट थाना क्षेत्र के काली मंदिर तिराहा के पास देवरिया के पास रहने वाले रिटायर्ड कर्मी से दो बाइक सवार बदमाशों ने 4 लाख की लूट की। आपको बता दें कि देवरिया जिले के बलरामचक निवासी राम सिंगार यादव पुत्र शिवपूजन यादव भारतीय स्टेट बैंक की बैंक रोड से शाखा में 4 लाख निकालकर ऑटो रिक्शा से स्टेशन की तरफ जा रहे थे कि काली मंदिर से कुछ दूरी पर ही बाइक सवार दो बदमाशों ने नोट से भरे बैग को छीनकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे सीओ कैंट श्याम देव बिंद, कैंट थाना प्रभारी व कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर के साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन दाडा ने कहा कि पीड़ित से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है तथा जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। लूट की घटना के संबंध में पीड़ित राम सिंगार यादव ने बताया कि बैंक रोड SBI से पैसा निकालकर रिक्शे पर आ रहा था, तभी काली मंदिर के पास दो बाइक सवार मेरा बैग छीनकर भाग गए। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही संरक्षण विभाग से रिटायर हुए थे तथा पेंशन का पैसा खाते से निकालकर जमीन खरीदने जा रहे थे कि बाइक सवार दो बदमाशों ने पैसा लूट लिया। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए पीड़ित राम सिंगर यादव ने कहा, जिस ऑटो पैसे तो कहाँ गया? ओ यार वो भी चला भाग गया। कितना बजे कितना है? ये जो 50 लोग थे? नहीं, बस वाले 2 लोग थे। मोटरसाइकिल से? जी। क्या नाम है आपका? राम सिंह आ रहे हैं। कहाँ से? राम सिंह अरे यादव कहाँ के रहने वाले हैं? देवरिया के। क्या घटना हुई? हम बैंक से पैसा निकाल करके ले आ रहे थे, तो यानी रिक्शा पर बैठे थे। कितना रुपया था? 4 लाख। अच्छा, किस बैंक से निकाला? भारतीय स्टेट बैंक। तो आप मेन? अच्छा, बैंक रोड से? हाँ, मेन रोड। अच्छा, फिर कैसे आप जा रहे थे? बाइक से या टेम्पो से? अच्छा, किस लिए पैसा निकाले थे? क्या अरे जमीन उमीन लेने के लिए जी। बाइक से थे? किस चीज से? कौन सी बाइक? अब बाइक तो हम नहीं पहचान पाए। हेलमेट लगाए थे? हाँ, एक हेलमेट लगाया था, एक हेलमेट नहीं लगाया था। और ऐसे झोला में हम ले करके और ऐसे बैठे थे ऑटो में? ऑटो में। अच्छा, और ये जबरदस्ती खींच लिया। अच्छा। और खींचने में देखिए ये नहीं छोड़ रहे थे तो ये तोड़ करके लेके भाग गए। अच्छा, जोर से पकड़े थे तो? अरे हम ऐसे बगल में दबाए थे। अच्छा, आपके साथ कोई और भी था क्या? नहीं, अकेले थे।